हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो आप लोग? ये मैं नहीं पूछूंगा आज, क्योंकि मैं जानता हूं कि फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हो। एनीवे, शाम के 7 बज चुके हैं, एक और नया एपिसोड हाजिर है आपके लिए। दिस इज एपिसोड नंबर 111। तो चलो शुरू करते हैं। और आज का अपना फर्स्ट अपडेट है कल के वर्ल्ड कप फाइनल्स को लेकर, जिसे हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। फिर से वर्ल्ड कप लाने का सपना सपना ही रह गया। वैसे कल दो बातें फिर एक बार वेरीफाई हो गए, जिसको हमें जिंदगी भर याद रखना चाहिए। पहली बात कि लाइफ में हार्डवर्क के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरी बात, जब तक आप सक्सेसफुल होते हो, आपके पीछे खड़े रहने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपके फेलियर के बाद आपके पीछे खड़े रह के ये कहने वाले लोग थोड़े कम हो जाते हैं कि मैं अब भी तेरे साथ हूँ और मुझे तेरी मेहनत पर गर्व है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंडियन टीम, जिसने पूरे वर्ल्ड कप की जर्नी में हर किसी को कपड़ों की तरह धोया है, लेकिन शायद कल की रात हमारी थी ही नहीं। शिकायत किसी से नहीं है, गलती किसी की निकालना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन दिल तो टूटे हैं, आंखों में आंसू तो आए हैं। हाँ, हम भी मानते हैं कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन ये वाली जो हार होती है ना भैया, सच में रुला जाती है। क्योंकि ऐसे मैचेस की हार पर तो वो भी रो पड़ता है जिसने अपनी पूरी लाइफ में कोई मैच नहीं देखा होता, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल के लिए तो वो भी इंडियन टीम के जीतने की आस लगाकर बैठा होता है। खैर कोई बात नहीं, हारे तो हारे, हम और हमारी इंडियन टीम फिर खड़ी होगी, फिर मेहनत करेगी। बस हमें अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ना है, दुनिया चाहे जो भी कह ले, क्योंकि हमारी टीम ने भी मेहनत कितनी की है ये हम जानते हैं। तो कमेंट्स में जरूर से लिखना, वी आर विद अवर इंडियन टीम। जय हिंद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि धूम 1 और धूम 2 मूवी के डायरेक्टर संजय गढ़वी को लेकर है, जिनकी कल 57 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है, जिसका रीजन हार्ट अटैक बताया जा रहा है। तो हमारी पूरी जस्टक फैमिली की तरफ से प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है डंकी मूवी के फर्स्ट सॉन्ग लूट टूट को लेकर, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये सॉन्ग आज रिलीज किया जा सकता है, डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जी के बर्थडे की खुशी में। तो देखते हैं कि आज ये सॉन्ग रिलीज होता है कि नहीं। नेक्स्ट अपडेट है एक्टर वरुण तेज की ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी को लेकर, जो कि एक एरियल एक्शन मूवी होने वाली थी, जो पहले तो 8 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी भी अब पोस्टपोन कर दी गई है, जिसका रीजन भी एनिमल सालार और डंकी मूवी ही है, जिनकी हाइप मार्केट में इतनी ज्यादा हो चुकी है अब कि कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहता है कि वो अपनी मूवी को इस दिसंबर महीने में रिलीज करे, जिसकी वजह से सभी डायरेक्टर्स एक एक करके अपनी मूवीज को इस मंथ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी भी अब कब रिलीज होती है। फिलहाल तो इस मूवी के मेकर्स ने कोई न्यू ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की है कि वो लोग इसको कब रिलीज करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है हैरिसन फोर्ड की इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी मूवी को लेकर, जो कि एक एडवेंचरस मूवी है जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद भी किया था। तो अब ये मूवी 1 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। तो अगर आपको इंडियाना जोन्स सीरीज की मूवीज पसंद है तो आप इसको 1 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट अपडेट है अनिल कपूर की नेक्स्ट मूवी को लेकर, जहां फिलहाल उनकी बात एक बायोपिक मूवी के लिए चल रही है, जिसका टाइटल होने वाला है सहारा श्री, जो कि सुब्रता रॉय की लाइफ पर बेस्ड होगी, लेकिन अभी तक इस मूवी के लिए कुछ भी लॉक नहीं किया गया है। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या अपडेट्स आते हैं। नेक्स्ट अपडेट है जुजुत्सु काइजन एनिमी सीजन 2 को लेकर, जहां इस सीजन के रिसेंट एपिसोड्स की क्वालिटी को लेकर ऑडियंस इस शो को अब काफी क्रिटिसाइज कर रही है। और अगर आप भी इस शो को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपने भी नोटिस किया होगा कि रिसेंट एपिसोड्स के एनिमेशंस काफी वीक लग रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर इस शो के एनिमेटर्स का काफी फ्रस्ट्रेशन भरा रिप्लाई आया है कि कैसे इस शो के मेकर्स और स्टूडियोज उन्हें इम्पॉसिबल सी डेडलाइंस और पुअर कंपेंसेशन दे रहे हैं, जिस वजह से उन पर इसका वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अभी शो की प्रोडक्शन क्वालिटी पर पड़ रहा है। तो अब तो इस शो के एनिमेटर्स खुद इस प्रॉब्लम को रेज कर रहे हैं। तो देखते हैं इस पर इस शो के मेकर्स अब क्या करते हैं। वैसे आप इस शो को देखते हो या फिर नहीं, कमेंट्स करके बताना। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं। द रेलवे मैन सीरीज एंड अपूर्वा दोनों के रिव्यूज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जस्टेक के ऊपर वीडियोस आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दिस इज जयस एंड यू आर वॉचिंग जस्टेक सिनेमा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर। जय हिंद।